सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े झटकों से हिली आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन को फटकार, तुरंत सरेंडर का फरमान। ईडी को आंख दिखाई, केजरीवाल पर आफत आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल और उनके नेताओं पर बड़ी आफत आ पड़ी है। एक तरफ ईडी ने सीएम साहब की शराब घोटाले और जल बोर्ड घोटाले में नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। तो चलिए पहले सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारणों की वजह से मेडिकल बेल पर थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मई में उन्हें खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। कई मौकों पर सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया गया था। सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन जितने गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर हैं, साथ ही जेल में रहते हुए उन्होंने नियमों को तार तार किया है, उसे देखते हुए तो जज साहब सत्येंद्र जैन पर भड़क उठे। जमानत देना तो दूर, सरेंडर करने के फरमान सुना ही डाला। अब फिर से सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में दिन बिताने होंगे। तो चलिए पहले ये बताते हैं कि आखिर सत्येंद्र जैन को राहत क्यों नहीं मिल रही। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया। आरोप है कि प्रयास, इन्फो सॉल्यूशंस, अंकिचन डेवलपर्स, मंगलयातन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इंपैक्ट को 4,63,00,000 रुपए मिले थे। ईडी की जांच में इन कंपनियों को शेल कंपनियों से 4,81,00,000 रुपए मिलने का दावा किया। सत्येंद्र जैन का इन कंपनियों पर निदेशक या अधिक शेयर की वजह से नियंत्रण था। इन कंपनियों के पास पैसे कहां से आए, इसके बारे में सत्येंद्र जैन कोई जानकारी नहीं दे पाए। इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली और आसपास जमीन की खरीद को लिया गया कर्ज अदा करने के लिए किया। आरोप है कि ये रकम कोलकाता एंट्री ऑपरेटरों को हवाला के जरिए पहुंचाई गई, नकदी के बदले इन मुखौटा कंपनियों के माध्यम से दी गई। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। ईडी सीबीआई के खिलाफ बवाल काटने वाले केजरीवाल अब सामने आए। बताएं कि उनके नेता कितने निर्दोष हैं। क्या सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने का ठीक रहा? केजरीवाल अब बीजेपी पर ही फोड़ेंगे, क्योंकि घोटाले आप नेता करते हैं और केजरीवाल जब एक्शन होता है तो बवाल बीजेपी के खिलाफ काटते हैं। खैर, अब खुद को ईमानदार कहने वाले नेता, जिसके खिलाफ हर बार सबूत देकर जज साहब का खून खौल उठता है, अब सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल भी नपने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड घोटाले में पेशी के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन इस बार भी केजरीवाल अकड़ दिखाते हुए ईडी के नोटिस पर पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बकायदा बयान जारी कर कहा गया, केजरीवाल ईडी के नोटिस पर पेश नहीं होंगे, ईडी का समन गैर कानूनी है। केजरीवाल बार बार ईडी को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब हालात बता रहे हैं कि ईडी उन्हें घर से लेकर जाएगी। जो हाल सिसोदिया का हुआ, संजय सिंह का हुआ, वही केजरीवाल का भी होने वाला है। केजरीवाल की हरकतों पर बीजेपी ने भी हल्ला बोल दिया है। केजरीवाल पर ईडी सबूत गवाहों के आधार पर एक्शन ले रही है, नोटिस जारी कर रही है, लेकिन केजरीवाल मनमानी के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे। तो हालात बयां कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का खेल खराब होने वाला है। तो केजरीवाल के खिलाफ जारी हो रहे इस नोटिस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।